हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड ही आपके साथ कुछ काम करने वाली हूँ। तो गार्डनिंग में प्लांट्स के साथ हमारे जो पॉट्स होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके पॉट्स दिखते हैं उतने ही ज़्यादा आपके गार्डन में खूबसूरती आती है। तो मैं अपने गार्डन में साल में एक बार पेंट ज़रूर करती हूँ, और अभी का जो टाइम है इसी टाइम पे लगभग मैं पेंट करना शुरू करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे गमले हमारे खाली भी हो चुके होते हैं और थोड़ी सी विंटर की भी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है। तो फिर अगर हम खाली पॉट्स में पेंट करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है करने में। तो देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर के सारे पेंट किए हुए पॉट्स हैं जो आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है, और ये देखिए इस तरह से, तो अभी भी बिल्कुल ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। मेरे लास्ट ईयर के पेंट किए हुए सारे पॉट्स हैं। तो मैं जो पेंट करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और किस तरह से मैं अपने जो गमले हैं उनमें पेंट करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप उस पेंट को आप प्लास्टिक पॉट में भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपने जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं उन्हीं में करने वाली हूँ, जो पुराने हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे देखने में, और बिल्कुल उनको एक नया लुक देने के लिए हमको पेंट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। तो आप उसको मिट्टी के पॉट में भी कर सकते हैं, सीमेंट के पॉट में भी कर सकते हैं, और प्लास्टिक पॉट में भी कर सकते हैं। तो वाटरप्रूफ भी होता है और साल भर चल भी जाता है। तो आज मैंने बहुत सारे अपने प्लास्टिक के पॉट्स को खाली किया है, और कुछ सीमेंट के भी खाली किए हैं, लेकिन सीमेंट के पॉट्स को अभी देखिए, जैसे ये भी खाली हो गए हैं लगभग, लेकिन अभी इनकी मिट्टी हटा करके और इनको क्लीन करना ज़रूरी है, थोड़ा सा इनको वॉश करना ज़रूरी है। तो मैं इनको भी फिर बाद में कर लूँगी। तो देखिए, अब धीरे धीरे निकलना भी स्टार्ट हो गया था पेंट थोड़ा थोड़ा उधड़ कर। तो साल भर चल जाते हैं उतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। एक बार हम पेंट कर देंगे तो हमारे गमले भी सुरक्षित हो जाते हैं। हे गाइस, मैं हूं प्रियांशु, और हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये मेरी मम्मी का चैनल है, और उधर आपको कुछ दिख रहा है वो मेरी मम्मी वहाँ पास कर रही हैं, मतलब मेरा भाई है वो, तो मेरी मम्मी यहाँ है। हाँ, ये मेरी मम्मी है, और यहाँ पास गमले का पेंट हो रहा है जिससे गमला और भी ज़्यादा सुंदर लगे। वो वहाँ पास हम लोग का डिब्बा रखा है, गमले का मतलब पेंट का डिब्बा रखा है। तो आप लोग को बिफोर और आफ्टर भी दिखा देता हूँ मैं कि हो क्या रहा है यहाँ पास। तो ये बिना पेंट के, मतलब बहुत साल पहले हम लोगों ने पेंट किया था इसमें, तो ये एकदम सड़ गया है। देखो नीचे से एकदम कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। और आप, और यहाँ पास हम लोगों ने होल भी किया जिससे पानी निकल जाए। तो मेरे ख्याल से पानी क्रश हो गया ना मम्मी, ये पानी के कारण, और ये टूट भी गया है। तो मेरी मम्मी बोल रही है किसी को काम चलाएंगे, ऐसे छुपा के रखेंगे हम लोग इसके पीछे, जिससे कोई आए सामने से तो उन लोग को दिखे ना, मतलब ऐसे घुमा के थोड़ी ना देखेंगे कि अरे बाप रे ये तो टूटा हुआ है, छी छी छी, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पेंट करके मस्त इसी को आपके सामने ऐसे करके दिखा देंगे, फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अरे वाह बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये मेरी मम्मी करने वाली थी, मैं आप लोग के सामने बता दिया कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास बजट कम है तो। और वहाँ पर वीर छोटू गमले को पेंट कर रहा है, वीर वीर, और साथ में खुद को भी, और हाथ को कैसे कर लिया है उसको, खा उसको छी, देखो लाल लाल कर लिया है, वो हंस रहा है उधर। तो हम लोगों ने अभी तो दो ही गमले किए हैं, और इसका वीडियो भी बनाए थे, लेकिन वो उस साइड से बनाया जहाँ पर वीर बैठा है ना, तो उधर से पता ही नहीं चल रहा है। और गमले लाओ मम्मी, अच्छे से पकड़ना, नीचे रखो यहीं पास, ऐसा। हाँ अब अच्छा दिख रहा है, देखो इसके अंदर हम लोग नहीं किए क्योंकि मिट्टी जाएगा ना, मिट्टी में फिर कलर हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा मिट्टी होली खेल लिया है। इसलिए मतलब अभी तो तीन ही गमले हुए हैं, तीनों बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इसके कंपेरिजन तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बिफोर है या आफ्टर है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, दिल की तसल्ली दे सकते हैं हम लोग ऐसे। और वो छोटू गमला हो गया, भैया छोटू वाला उधर, उसको भी ले आना, उसको भी दे दो मम्मी। नीचे से नहीं किया है वो, कैसा देखो वीर कलर कैसे किया है, आधा अधूरा। नीचे से नहीं करते, नीचे से, नीचे से नहीं, उसको छोड़ दे। हाँ तो एक काम करते हैं हम लोग, पूरा हर मतलब सब में पेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर आप लोग को और जानकारी देंगी मेरी मम्मी, क्योंकि बस इतना ही मैं बनाने वाला था। और आप लोग होल्ड कर लेना, अगर आप ने फ्लावर पॉट खा ले तो मम्मी कैसे पेंट कर रही है। तो मम्मी स्टार्ट हो जाओ, आप बोलो। तो ये देखिए, ये पेंट है, ये बर्जर का पेंट है, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा पेंट है, पूरे साल भर ये बहुत अच्छे से चल जाता है, वाटरप्रूफ भी है, और एंटी फंगल है, यानी कि काई वगैरह भी नहीं लगती है इसमें, जो सीमेंट और मिट्टी के गमले होते हैं वैसे प्लास्टिक के गमले में तो नहीं लगती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको लेना है, और मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, क्योंकि पानी मिलाने से फिर हमको डबल कोटिंग करनी पड़ती है,
तो इस वजह से मैं सिंगल कोटिंग ही करती हूँ, एक बार ही पेंट करती हूँ, तो इसलिए मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है इसमें। और काफ़ी अच्छा पेंट है मेरे गमलों में, आप लोगों ने देखा होगा, सीमेंट मिट्टी और लगभग प्लास्टिक के सारे ही गमलों में ये वाला पेंट करती हूँ। प्लास्टिक में आप ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं इसी वजह से उसको कभी भी नहीं करती अपने प्लांटर में यूज, तो मैं तो बस इसी को करती हूँ और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और बहुत ईजी है इसको करना और बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है, तो मुझे यही पसंद है। तो नहीं तो ऑयल पेंट जो होता है खिड़की दरवाजों में हम करते हैं ना, वो वाला पेंट आप प्लास्टिक के गमलों में कर सकते हैं, तो काफ़ी टाइम तक चलता भी है और देखने में भी काफ़ी अच्छा, थोड़ा शाइनिंग सा होता है, शाइनिंग रहती है उसमें। लो तो इसका प्राइस 200 है, 190 और भी ज़्यादा प्राइस वाले भी मिलते हैं, लेकिन मैं इसी को मंगाती हूँ क्योंकि मुझे इसका प्राइस भी ठीक ठाक लगता है और क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, तो मैं इसी का यूज करती हूँ अपने गार्डन में। तो इसमें आपको और भी मिल जाएंगे, एक लोटस कंपनी का आता है वो भी इसी प्राइस में मिलता है, उसका भी कलर ठीक ही रहता है, अच्छा ही रहता है। दिखा दो ना। तो ये देखिए, ये भी मैंने अभी मंगाया है, वो मेरा लास्ट ईयर का डिब्बा है और ये मैंने अभी मंगवाया है, तो मैंने अपने बेटे को भेजा था लाने के लिए, तो उसने ये वाला ला कर दिया। ये देखिए लोटस कंपनी का है और उसको दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, बता दूँ तो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वाला लेने के लिए गया था लेकिन उसके पास ये वाला नहीं था, तो वो बोला कि इसी प्राइस में, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों 200 का ही है, इसमें 10 रुपये कम मिला है अपने को, मतलब हाँ आप समोसे खा सकते हैं इसमें से, लेकिन हाँ मतलब ऑलमोस्ट 200 का है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, पर मुझे नहीं मिला तो मैं ये वाला ले आया हूँ लोटस कंपनी का, पर अच्छा ये भी है, बस ये मतलब दोनों का कलर बाद में कैसे हो जाता है मम्मी, थोड़ा सा डिफरेंस है कलर में, ये थोड़ा डार्क रेड रहता है और ये थोड़ा सा बाद में ऐसा लगता है थोड़ा सा लाइट कलर है, हाँ हल्का सा लाइट हो जाता है। आपको आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो एकदम अच्छे से नहीं हुआ है, अगर इसमें हम लोग डबल कोटिंग करेंगे तो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, और ज्यादा सुंदर शाइनी सा रेड कलर रहेगा और ये थोड़ा सा लाइट कलर रहता है। अच्छा ये वाला थोड़ा लाइट हो जाएगा, फिर डबल कोट करेंगे तो ब्राउन हो जाता है ना ये तो? नहीं ब्राउन नहीं होता है, डबल कोट करने में अच्छा आएगा और कलर, बस अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्योंकि जो बर्जर की कंपनी है काफी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, तो अगर आपको ये वाला मिलता है तो आप यही वाला लाइए, अगर ये नहीं मिले तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, मतलब अगर ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, चलते दोनों अच्छे से, वाटर प्रूफिंग है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ला करके कर सकते हैं। मैंने दोनों को अपने गार्डन में यूज किया हुआ है और इसके मुकाबले इसकी क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी है। ये भी सिग्नल रेड है और वो भी सिग्नल रेड है, मतलब दोनों मतलब एक ही है, बस कलर का डिफरेंस है, थोड़ा सा लाइट कलर है, बस इतना ही अंतर है और कुछ खास इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हाँ तो आप लोग यूज कर सकते हैं और अच्छे हैं दोनों, जैसे इसको अपन 8 देंगे तो इसको अपन 9 देंगे, ऐसा है, बस उतना ही फर्क है। 10 तो कैसे बने मिलेगा, हमारा लगभग पेंट हो गया, इसी तरह से बस आपको पेंट कर लेना है और आप इसको हर गमले में यूज कर सकते हैं, मिट्टी सीमेंट और प्लास्टिक के मैंने बताया ही आपको, काफी अच्छी क्वालिटी है और अच्छे से पूरे साल, साल क्या 2 साल भी चल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पेंट हमने कर लिया और पेंट करने से गमले बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं, जब इसमें कोई भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, तो आप भी जरूर करिए अपने गमलों को, पुराने गमलों को पेंट जरूर करिए ताकि वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे और आपके गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अभी देखिए बिल्कुल नए से लगने लगे गमले, बिल्कुल कितने अच्छे दिखने लगे हैं, नहीं तो ये पुराने रहते हैं, इनके कलर बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है तो देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम सारे गमलों को पेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो ये देखिए फाइनली सारे गमले मैंने पेंट कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे, देखिए सारे ही, तो सारे गमले तो नहीं, अभी बहुत सारे गमले मेरे बचे हुए हैं, लेकिन अभी जितने मैंने साफ़ किए थे, जिनको क्लीन करा था मैंने साफ अच्छे से, उन सब मैंने पेंट कर लिया है और धीरे धीरे रोज़ ऐसे ही थोड़े थोड़े करती रहूँगी तो मेरे गार्डन में सारे गमलों में पेंट हो जाएगा। तो बस मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया था, देखिए ऐसे ही पेंट किया था और मैं ऐसे ही करती हूँ, तो सीमेंट के गमलों में भी मैं नहीं मिलाती पानी क्योंकि अगर पानी मिलाते हैं तो डबल इसको फिर हमको करना पड़ जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा कलर भी आता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप भी इस टाइम पे यही चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपके पास खाली कुछ भी टाइम मिलता है तो आप अपने गमलों को इसी तरह पेंट करके उनको बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और धीरे धीरे इसी तरह से सारे गमले मैं अपने सीमेंट वाले भी सारे ही पेंट कर लूँगी। सीमेंट वाले में भी थोड़ा सा मुझे उनको भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, जो भी कुछ खाली हुए हैं। अभी ज़्यादा खाली भी नहीं हुए हैं, धीरे धीरे मैं उनको बाद में फिर खाली करती रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स,